इतनी बुरी तरह से तुम जख्मी हुए थे बेटा, तुम्हारे बचने की उम्मीद बहुत कम थी। उस हालत में हमने तुम्हें अस्पताल में भर्ती किया। देखो, डॉक्टरों की वजह से तुम नहीं बचे, बल्कि तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से तुम बचे। उस समय तुम अपनी याददाश्त खो बैठे, कुछ याद नहीं रहा। तुम्हें कुछ याद है? याद नहीं है ना? देखो, डॉक्टरों के बताने के बाद ही तुमने जाना मैं तुम्हारा बाप हूं। बेटा, कविता की वजह से तुम बुरी तरह जख्मी हुए और 2 साल तक अस्पताल में रहे। उसने कहा कि तुम उसकी जिंदगी हो, लेकिन वो तुम्हें देखने के लिए एक दिन भी नहीं आई। ओ, अरे वो आ नहीं सकती थी तो तुम्हें फोन तो कर सकती थी। ओके डैड, वो यहां नहीं आई तो कम से कम आपको तो जाकर उसे देखना चाहिए था। क्यों, मैं क्यों जाऊं भला? चुप रहो, उसकी वजह से ही तुम जख्मी हुए। तुम्हें इस हालत में उसने पहुंचाया और मैं उसे देखने जाऊं? हां ओके डैड, मैं ठीक हो गया था तब तो आप मुझे बता सकते थे कि मैंने कविता नाम की लड़की से प्यार किया था और उससे शादी की थी। क्या बताता, शादी के बाद उसके बाप ने आकर कहा कि वो इस मंगलसूत्र को निकालकर फेंक देगा और उसकी शादी रंजीत से करवा देगा। फिर वो आज तक कभी तुमसे मिलने भी तो नहीं आई बेटे। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें अपना अतीत याद ना आए ये डॉक्टर ने सलाह दी थी। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कीमती है और तुमसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं, इसलिए नहीं बताया। वो तो ठीक है, अब कविता आई है, मैं क्या जवाब दूं? 2 साल लापता रहने का मतलब? बात यह है कि बात चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हारी और लक्ष्मी की शादी होने से पहले अगर वो आकर अपना मंगलसूत्र दिखाती तो मैं तुम दोनों को मिलवा सकता था, तुम दोनों साथ रह सकते थे। लेकिन वो तुम्हारी शादी हो जाने के बाद आकर कहना कि तुम्हारी पत्नी, क्या मतलब हुआ? सुनो बेटे, वो तुम्हारा जीवन संवारने नहीं बर्बाद करने के लिए आई है, और वो अपने मन से नहीं, उसके बाप ने उसे यहां भेजा है। देखो कुमार बेटे, तुम पर भरोसा करके वो बेचारी लक्ष्मी यहां आई है, उसे जिंदगी दो। एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है बेटे। और वो कविता? उसके लिए तुम फिक्र मत करो, उसका बाप मारपीट करे, गोली चलाए, वो सब मैं देख लूंगा। तुम यहां पर हो यही परेशानी है। तुम लक्ष्मी को लेकर डाक बंगले चले जाओ, पांडे को भी ले लो। तुम जाओ भी, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ। प्रभाता, इस कलयुग में माता रानी की तस्वीर कैसे गायब हो गई? अब समझे बहन नहीं चुरा लिया उसे। लक्ष्मी जरा सुनना, क्यों माता रानी की मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दे क्या? माता रानी ने ही मुझे ये जन्म दिया है, चाहे जितने भी जन्म लो मैं उन्हें नहीं भूल सकती। मतलब दुल्हन मैया तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? अभी तक मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और फूट डाल रहे हो। ये पांडे कभी किसी को अपने से दूर नहीं करता है, सबको दिल के अंदर ही बसा के रखता है। सिस्टर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पहले भरपेट खाना तो खिला दो। क्योंकि अभी तैयार कर दीजिए। जाइए ना। एक मिनट, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। खाना कैसा है? खाने में 6 तरह के स्वाद होते हैं, लेकिन इसमें तो 16 तरह के स्वाद है। तूने मेरे मुंह की बात कह दी। जो मैं करता हूँ वही तुम भी करते हो। मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ। जो सोच रहे मुझे बताओ। खाना बनाने वाले उन हाथों को चुम्बन दूंगा। चुम्बन दीजिए ना। क्या बात है दुल्हे भैया, कविता बहन आज तुम्हारे घर में कुक बन के खड़ी है। मुझे तो झटका लग गया और मेरी किक्की बन गई। वो कुक बन के क्यों आई है? तुम्हारी पत्नी बन के आ सकती थी ना। जैसे पिताजी ने कहा था, यहाँ वो योजना बनाकर आई है। तुम जैसे सोच रहे हो या तुम्हारे पिताजी सोच रहे हैं, मैं यहाँ किसी प्लान से नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ। मेरे साथ रहने की सोच रही हो तो मुझे देखना था ना। 2 साल तक कहाँ थी, देखने क्यों नहीं आई? ठीक है, 2 साल से मैं तुम्हें देखने नहीं आई और तुम भी मुझे देखने नहीं आए, लेकिन एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से बेहतर है ये सोचो अब क्या होगा। अब क्या होगा मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कविता, मैंने एक मासूम लड़की से शादी की है और उसका पति होकर तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? ये तुम कह रहे हो जिसे मैंने अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहा और शादी की, लेकिन एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। मेरे डैडी ने जबरदस्ती उसी दिन मुझे मारकर तुझसे दूर कर दिया और तब से आज तक तुम्हारे साथ रहने के लिए तड़प रही हूँ।
और ऐसे कह रहे हो? मेरे हालात को जाने बगैर कुछ मत कहो। क्या मैं कृष्ण हूँ जो सत्यभामा और रुक्मणी को एक साथ रख सकूं? मेरे भगवान तो तुम ही हो। अगर तुम मुझे सत्यभामा या रुक्मणी में से एक भी बना लो तो भी मैं रह लूंगी। मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या कहा? कविता को तलाक देने का? ए चुप। मैं भला कैसे चुप रहा हूँ? चोर को घर में पालो तो भी बच सकते हो, लेकिन वकील के हाथ लगे तो भंगी बन जाओगे और कोर्ट में पहुंचे तो महाभंगी। ए, मूर्खों की तरह बात मत कर। हाँ हाँ मैं मूर्ख हूँ, लेकिन तुम्हारा फैसला क्या है तो बताओ। कविता ने मुझे 2 साल से नहीं देखा, उसे अपने से दूर करने का मन नहीं कर रहा। अचानक मन की बात क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि कविता मेरी पहली पत्नी है। लक्ष्मी को सच्चाई बताकर उसे समझा बुझा कर दोनों को साथ रखने का फैसला किया है। सामने देख कविता की मारी। कहाँ? गाड़ी रोक। चल चल नीचे उतर। नमस्ते सावा जी, तुम्हें फिर से देखूंगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम अच्छे तो हो ना? मैं अच्छा हूं। आप इस तरह इस हाल में? अपनी बेटी को तुमने यही संस्कार दिए हैं? ये अच्छी तरह जानते हुए कि धर्म प्रताप मेरा जानी दुश्मन है, इसने उसके बेटे से रजिस्टर मैरिज करके मेरे मुंह पर कालिक पोत दी है। उसका मंगल सूत्र उतारने के लिए बोलो, जल्दी उतारने बोल। ये क्या कर रहे हैं आप? देख, सिर्फ यही यही बनेगा मेरा दामाद, इसी का मंगल सूत्र उसके गले में होना चाहिए। जल्दी मंगल सूत्र उतार। क्या कहा? तेरा दिमाग खराब हो गया? भाई मेरे पति है। क्या कहा? रुक जाइए, मेरी बात सुनिए प्लीज। ओ हट जा, ठीक भी नहीं आ रहा। चल उतार, उतार। नहीं निकालूंगी। उतार मैंने कहा। नहीं निकालूंगी। अंकल प्लीज हाथ मत उठाइए। शट अप, विल यू प्लीज शट अप। मैंने कहा उतारने के लिए। सुनिए, जो कुछ होना था हो गया है, तो आपकी बेटी इसे कुछ मत कीजिए प्लीज। दूर हो जा मेरी नजर से। तुम खुद उतारती हो या मैं उतारू उसे? नहीं पापा, अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, किसी और की पत्नी हूँ। ये मंगल सूत्र उतारने का आपका कोई हक नहीं है। मुझे हक नहीं है, मुझे हक नहीं है। चल उतार। 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 कविता मेरी बेटी, मेरे पास बताइए, मैं भूल जाऊंगी क्या? मेरी गाड़ी है, गोली चला दूंगी, गोली चला दूंगी, गोली चला दूंगी। कविता, इस पवित्र मंगलसूत्र को निकाल के आपकी बेटी बनकर जीने से ज्यादा बेहतर मैं उनकी पत्नी बनकर अपनी जान उनके लिए निछावर कर दूं पिताजी। कविता, तो फिर कविता 2 साल पहले मर गई। उसके पिता भले ही एक पत्थर दिल पुलिस अफसर थे, लेकिन बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता देख पागल होकर घर पे बैठ गए और उसी चिंता में कुछ दिन बाद वो भी चल बसे। तो फिर घर में जो है आत्मा? चल घर चलते। कहा? उस घर में तो मेरा बाप भी नहीं रहेगा, वहां भूत नहीं रहती है वहां। अगर वो कविता की आत्मा है तो लक्ष्मी वहां खतरे में है। लक्ष्मी Thank you.
बहुत सताया तूने मुझे, इतनी आसानी से छोड़ दो तुझे। क्यों रे, उस दिन त्योहार के दिन शादी करके तू भाग गई और मैं तुझे पागलों की तरह इधर उधर ढूंढता रहा। अब मैं किसी और की पत्नी हूँ, मुझे कुछ मत करो। कहते हैं चखावा फल और भी स्वादिष्ट हो जाता है, और भी स्वादिष्ट। मुझे छोड़ दो, ये तो बेहोश हो गई, लेकिन मैं तो होश में हूँ। बेटे आज तेरा सितारा चमक रहा है, एक तरफ होश में है और दूसरी बेहोश। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। अरे वाह, श्रीदेवी है, काजोल है, ऐश्वर्या राय। अरे मैं कुमार के साथ रहना चाहती हूँ, ये तभी संभव है जब मैं इसके शरीर में प्रवेश कर जाऊं। उसके शरीर में प्रवेश करने से ये मंगलसूत्र रुक रहा है, इसका मतलब ये कोई साधारण मंगलसूत्र नहीं है। तब उसके रक्त के जरिए ही उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ। शरीर में ना ही सीधे प्रवेश कर पा रही हूँ, ना ही रक्त के जरिए। इसका कारण इसके गले में पड़ा मंगलसूत्र ही है। कविता, तुम वो कमीना कहाँ है? वो मैंने उसे मारकर भगा दिया, वो फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, मैंने तुम्हें घर से बाहर करने की हर कोशिश की, लेकिन तुमने अपने मन में कुछ न रखकर सब कुछ भुलाकर और मुझे उस कमीने के हाथों बर्बाद होने से बचा लिया। कविता, मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम जीवन भर मेरे साथ ही रहो। तुम चाहो या ना चाहो तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ।